कभी भी नया शो आता है यार, एक्साइटमेंट तो होती है, नर्वसनेस भी होती है। इस शो के लिए पर्टिकुलरली ज़्यादा नर्वसनेस है, क्योंकि देखो आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको लगता है कि कैसे रिसीव किया जाएगा बाय ऑडियंसेस। सो बट लाइक वी आर कॉन्फिडेंट समवेयर, बट हम लोग एक्साइटेड भी हैं, नर्वस भी है। इट्स अ वेरी फ्रेश कॉन्सेप्ट, बहुत ही फ्रेश है। आज के ज़माने का शो है, बहुत ही कैरेक्टर्स बड़े यू नो रिलेटेबल हैं, जो सबके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं शो में वो भी बड़े कमाल के हैं, देखने वाली बात है मतलब। एंड आई थिंक द स्टोरी ऑफ द शो विल रेजोनेट विद अ लॉट ऑफ ऑडियंसेस। या मेरे लिए भी थोड़ा सा, मैंने आज तक अपने करियर में 14 साल के करियर में कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया। इट्स अ आई एम प्लेइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन इन द शो, और यू नो जैसा सुरभि ने कहा कि डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट काइंड ऑफ शो है, डिफरेंट स्पेस है फॉर द शो। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी न्यू एज शो, वेरी डिफरेंट, टारगेटिंग ऑल ब्रैकेट्स, यंग मार्केट, यू नो यंग ऑडियंस, बट शो सबको पसंद आएगा, हर उम्र के बंदे को पसंद आएगा, क्योंकि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन माय फादर विद मी, हर फादर विद हर, वो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द शो, दैट्स अ सेलिंग पॉइंट ऑफ द शो। और वही हम लोग दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से थोड़ा सा अलग स्पेस में जाके, कि ऑफिस स्पेस है सबसे बड़ी बात, ऑफिस सेटअप है, ऑफिस रोमांस है। सो आई थिंक ऑडियंस इज गोना लव इट। धीरज जी, टेलीविजन की बात की जाए तो टेलीविजन सीरियल्स में जो भी मतलब सीरियल्स आते थे पहले, जैसे सास बहू ड्रामा हो या फिर माइथोलॉजिकल हो, तो ये शो मतलब कि काफ़ी अलग दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि मतलब कि आने मतलब कि आगे एपिसोड्स में जो है कुछ ऐसे सास बहू का कुछ हो या ऐसा कुछ है। वाई नॉट, आई मीन अगर दैट विल वर्क फॉर द शो, वाई नॉट। आई मीन वी ऑलवेज ट्राई टू मेक डिफरेंट कॉन्टेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ऑडियंस को पसंद आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस इज गॉड, हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं, उन्हीं को उनकी जो पसंद है उसी के हिसाब से हम शो बनाते हैं। और आई थिंक मैंने जैसा पहले कहा, ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ शो है, दिस इज़ अ ऑफिस सेटअप, ये ऑफिस रोमांस है, हम दोनों की तकरार है, हम दोनों की जो मेंटेनेंस है इन अ गुड वे आई एम टॉकिंग अबाउट, वो शो की यूएसपी है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन ऑल द कैरेक्टर्स, आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ द शो। आप शूटिंग का तरीका भी देखोगे, आप जब शॉट वाइज भी देखोगे, लाइटिंग वाइज भी देखोगे, इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। सुरभि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आफ्टर कोविड आपको क्या लगता है कि व्यूअर्स की जो है पसंद थोड़ी बदली है? कैन आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली दैट हम ये शो अपने लिए बना रहे हैं। आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज गोइंग टू सकम टू दैट प्रेशर। सबसे बड़ी बात है दैट इट इज़ अ रिस्क, क्या बोलूँ, इट्स अ चैलेंज कलर्स एंड सौरभ तिवारी हैज़ टेकन टू शो, टू डू अ शो जो आज ऐसा है, जो आपको ड्रामेटिक शो नहीं है, जो हम वेट करते ना अरे डिडिंग डिडिंग डिडिंग, वो सब नहीं देखने को मिलेगा इसमें। फन स्पेस में है, रोमांस है, इमोशंस भी हैं, और बड़े घर 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 में कैसे लात पड़ती है बच्चों को, अगर पड़ती है प्यार से, ऐसे ऐसे कुछ आगे हम सीन्स भी करने जा रहे हैं जहाँ पे इनके पापा इनको यू नो मारेंगे, बट यू नो दोज आर मोमेंट्स दैट आर सो रिलेटेबल। एंड टीवी की ऑडियंस को हम कुछ नया पेश करने जा रहे हैं, ऑनेस्ट बात तो ये है। एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल दैट पीपल विल, नाउ दैट हम यही बोल रहे हैं ना कि सब OTT पे जाके ऐसा कॉन्टेंट देख रहे हैं, हम TV पे आके आपको ये प्रस्तुत कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि आप आइए 26 को और 8:30 बजे कलर्स पे देखिए। तुम लोगों ने खुद कहा ना कि प्रोमोज अच्छे लगे, तो आई थिंक शो भी अच्छा ही लगेगा सबको, राइट? धीरज जी, बीइंग अ फादर कितना डिफिकल्ट होता है, आप झलक भी कर रहे हो, शो भी कर रहे हो, कितना चैलेंजिंग हो रहा है ये फेस आपके लिए? हाल ही में आपने नाम भी अनाउंस किया, काफी क्यूट नेम है। थैंक यू। यार मैं सच कहूँ तो है डिफ़िकल्ट, मैं उस चीज़ को मना नहीं करूँगा, जगलिंग बिटवीन टू शोज एंड देन गोइंग बैक टू बेबी आई थिंक, लेकिन दैट्स अ फैक्ट, आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये तीनों चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आई कॉल देम माई बेबीज, 3 babies, सो आपको सबको इक्वल अटेंशन देना है, इक्वल प्यार देना है। और आई थिंक भगवान का एक तरीका था कि अगर आप 2 shows में इतने बिजी हैं और आपको वक्त नहीं मिलता, तो उन्होंने एक बेटा दे दिया जिसको गले लगा के सब कुछ ठीक हो जाता है, आप तब सारा दर्द भूल जाते हो, सारी थकान भूल जाते हो, एंड नेक्स्ट डे फिर से आप उसी एनर्जी के साथ उठ के काम पे जाते हो। सुरभि, आपसे एक सवाल है कि राजकुमार यादव इनके कैरेक्टर का नाम है, तो आपने जब सुना था कि इनके कैरेक्टर का नाम राजकुमार यादव है, इमेजिन करते हैं धीरज को, बड़ी हंसी थी, मैं बहुत हंसी थी और मैंने कहा डीडी यूजुअली बड़े स्टाइलिश हैं, तो नॉट दैट राजकुमार यादव, सो नो कमिंग टू दैट, इसका मतलब ये नहीं कि राजकुमार यादव एज अ नाम स्टाइलिश नहीं है, बट आप राजकुमार यादव सोचते तो आप
कुछ इमेजिन तो करते ही हो यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड डीडी अपने आप को इतने अच्छे तरीके से ढाल रहे हैं उसमें, जो बहुत चैलेंजिंग है। आई डोंट थिंक ही हैज डन समथिंग लाइक दिस इन द पास्ट, एंड कूडोज टू हिम टू जगल बिटवीन शोज एंड स्टिल कमिंग बैक ऑन सेट और ऐसा कुछ प्ले करना। ये मतलब मेरे लिए भी ना, यू नो, फ्रॉम दी करण लूथरा, वो एक फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर, टू कमिंग बैक टू राजकुमार यादव स्टैंड अप कॉमेडियन, आई थिंक मेरे लिए तो पूरा ट्रांजिशन, आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग, एंड आई होप आई विल जस्टिफाई टू इट। आई होप दैट ऑडियंस विल गिव इक्वल लव टू राजकुमार यादव एज दे गिव इट टू करण लूथरा। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा झलक धनुष की भी आती है राजघराना में, जैसे कि जो उनका जो स्टार्टिंग फेज का कैरेक्टर है। मैंने देखी है, मैंने राजघराना देखी है, हाँ। बट अगर आपको ऐसा लगता है तो मतलब मैं अभी तक वैसा सोच नहीं पाया हूँ, अगर होगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू। लास्ट क्वेश्चन नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि घर में बॉस कौन है, मतलब कि यहाँ पे तो देखेंगे हम ऑफिस में आपके ऊपर बॉस। आप बताओ आपके घर में बॉस कौन है? आपके घर में आप बॉस हो? भाई मेरे घर में तो मेरी वाइफ ही बॉस हैं, मतलब वो घर इतने अच्छे से संभालती हैं, उसी वजह से मैं यहाँ कर काम कर पाता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि घर संभालना इज़ द बिगेस्ट जॉब, उससे बड़ा काम कोई नहीं कर रहा इस दुनिया में। आई थिंक बच्चे को संभालना, घर संभालना इतने अच्छे तरीके से, मुझे पता है कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है, इसी वजह से मैं यहाँ कर काम कर पाता हूँ। यार एक बात बताओ, अगर दो दोस्त को स्टार बन जाएं, को एक्टर्स बन जाएं तो मज़े ही मज़े हैं। आई थिंक सुरभि और मैं बहुत अच्छे दोस्त पहले से हैं, कितने साल हो गए हमारी दोस्ती को? 3-4 साल हो गए आई थिंक, जब हमने नागिन किया था वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल। अच्छा 2 साल हो गए? अच्छा 2020 साल हो गए, 2 साल पुराने दोस्त हैं हम। हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हुई है, आई काइंड ऑफ फील दैट अब मैं इनके काफ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों का हिस्सा रही हूँ, जो बहुत अच्छी बात है। एंड मज़ा आता है यार साथ में काम करने में। मैं किसी और का नाम लूँगी तो मेरे को यहीं से चेयर से उठा के सर बोलेंगे अपने रूम में जाइए। बट ऑनेस्टली आई थिंक डीडी इज़ शाइनिंग, जो ये मुझे ग्लिम्सेस दिखाते हैं और जो मैं इंस्टाग्राम कलर्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे देखती हूँ, आई थिंक इवन कश्मीर इज रियली गुड। तुम लोगों ने देखा, तुम लोगों ने ऑनेस्टली देखा झलक किसी ने? नहीं, कैसा लग रहा है ये बताओ मतलब। हाँ थैंक यू, मतलब सबने देखा है ना, किसी ने देखा? सब इतने चुप खड़े हैं यार, टाइम भी नहीं मिला होगा। चलिए थैंक यू सर। नो सर, बस नहीं है टाइम, नहीं मैं अलग से दे। थैंक यू।